ये परसों की बात है या कल की बात है, आपने देखा होगा एक नेता जी है, कल की बात है। अच्छा, हम बहुत दिन से बर्दाश्त करते हैं बड़ी ओछी टिप्पणी। आपने एक चीज देखा होगा और आप ये मानते होंगे कि हम सही कह रहे हैं, हमने हमेशा मंच की मर्यादा, भाषा की गरिमा, इसको बचा करके, इसको बना करके रखा है। कभी किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं, कभी किसी के ऊपर हल्की बात नहीं, कभी नहीं। लेकिन बात तक खड़ी जब एक नेता जी ने कहा कि सर कुंडा में कुंडी लगा देंगे या कुंडा को कुंडी बना देंगे। हमके धरती पर अभी कोई माई कला पैदा नहीं हुआ है, कुंडा कुंडा नहीं। जब बहुत हो गया सुनते सुनते, तब इस बात पे हम आज प्रतिक्रिया कर रहे हैं। अरे चुनाव है, चुनाव आके लड़ो, अपना एजेंडा बताओ, अपनी नीतियां बताओ, सिद्धांत बताओ, पार्टी का मैनिफेस्टो बताओ, चुनाव लड़ो। लोकतंत्र है, हर पार्टी लड़ती है। लड़ा अब तो कहा था कुंडा कुंडी बना जाएगा, कुंडी कहे तो सात पीढ़ी लग जाएगा, नहीं बना सकते, प्रश्न नहीं। जो जिस भाषा में समझे, फिर उसमें से कुछ लोग सरकार हमको एक गलत फहमी दूर कह जाए, सरकार ने बनत यह ना बने दे। और जो लोग ये कह रहे हैं कि 10 तारीख को सरकार बन रही है, हमको गलत फहमी दूर कह जाए, 10 के बाद 11 आ रहा था और 11 का हम इंतजार कर, 11 तारीख की प्रतीक्षा है बस। हम लोग चाहते हैं कि कुंडा के चुनाव बड़े शांतिपूर्ण निपट जाए, अपने क्षेत्र के बदनामी न हो। हमेशा से ये परंपरा रही है कुंडा की कि अधिकारी, प्रेस, मीडिया चाहे जो कहे, लेकिन अपने यहाँ चुनाव में कभी कोई हिंसा नहीं हुई है, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हुआ चुनाव। कुछ लोग हैं जो क्षेत्र को बदनाम